एक बार की बात है, लल्लू लाल की शादी पास के गांव में रीमा से होती है। वे लोग शादी करके डोली लेकर अपने गांव लौट ही रहे होते हैं, तभी अचानक से जोर जोर से बारिश होने लगती है। वे लोग वही पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, तभी बारिश रुकते रुकते अंधेरा हो जाता है। सोहन लाल जी, बारिश तो रुक गई है, लेकिन अब तो बहुत अंधेरा हो गया है। आगे जंगल का रास्ता है। इतनी रात गए नई नवेली दुल्हन की डोली लेकर, इस जंगल से गुजरना ठीक नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, हम बहुत दूर आ चुके हैं। जितनी देर हमें वापस जाने में लगेगी, उतनी देर में तो हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। लेकिन सोहन लाल जी, आप तो जानते ही हैं, ये जंगल श्रापित है। यहाँ कई बार लोगों ने उल्टे पैरों के निशान देखे हैं, और आप हैं कि नई नवेली दुल्हन को इस जंगल के रास्ते से ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे यार, तुम भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हो? ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सोहन लाल जी, ये कौन औरत है जो रो रही है? पता नहीं भाई, यहाँ हमारे अलावा तो कोई है भी नहीं। तभी वह औरत अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तुम सब के सब मरोगे, तुम सब मरोगे। अरे मर गए रे, ये कौन है सोहन लाल जी? तभी उन्हें एक औरत के उल्टे पैर दिखाई देते हैं, जो पेड़ की डाली पर चल रही होती है। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अरे सोहन लाल जी, अब हम नहीं बचेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, इस जंगल पर उल्टे पैर वाली चुड़ैल का साया है, आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अरे भाई, उपदेश देना बंद करो और जल्दी यहाँ से निकालो। फिर वे लोग डोली उठाते हैं और जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। तभी पीछे से एक जोरों से हवा का झोंका आता है और डोली उनके हाथ से नीचे गिर जाती है और ये सब लोग गिर जाते हैं। अरे मर गए रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे मर गया रे। पिताजी, ये कौन से रास्ते से ले आए आप हमें? अरे रोना बंद करो और जल्दी से डोली उठाओ और यहाँ से भागो। फिर वे लोग डोली को उठाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, अरे कमबख्त चुड़ैल भी नहीं मनाई और तू हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई है। अरे प्रीतम, पकड़ कर बैठना। अरे भागो रे भागो। फिर वे लोग भागते भागते अपने गांव पहुंच जाते हैं। अरे बच गए रे, आज तो बाल बाल बच गए। लल्लू बेटा, चलो बहू को डोली से बाहर निकालो और जल्दी से घर के अंदर ले चलो, कहीं वह चुड़ैल हमारा पीछा ना कर रही हो। जी पिताजी। अरे प्रीतम सुनो, हम गांव पहुंच गए हैं, अब तुम बाहर आ सकती हो, अब चुड़ैल का कोई खतरा नहीं है। प्रीतम तुम सुन रही हो? चुड़ैल से डर गई है, तभी बाहर नहीं आ रही। प्रीतम। अरे क्या हुआ, बहू बाहर क्यों नहीं आ रही? जरा डोली के अंदर तो देख। अरे पिताजी, डोली तो खाली है, इसमें तो कोई नहीं है। अरे मर गया रे, मैं तो शादी के पहले ही दिन विधवा हो गया। वो नास मिट्टी चुड़ैल मेरी पत्नी को खा गई। अरे सोहन लाल जी, बहू रानी कहाँ चली गई? वो तो डोली में ही बैठी हुई थी, फिर अचानक से कहाँ गायब हो गई? लगता है ये सब उस चुड़ैल का ही काम है। जब हम सब गिरे थे तभी वो चुड़ैल रीमा को उठाकर ले गई होगी। मैं कुछ नहीं जानता पिताजी, इतनी मुश्किल से तो मेरी शादी हुई थी, मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए बस। सोहन लाल जी, हमें वापस जंगल जाना होगा रीमा बिटिया को ढूंढने के लिए। तुम सही कहते हो भाई, हमारी गांव की इज्जत का सवाल है, चलो अभी वापस चलते हैं। फिर वे लोग वापस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रीमा रीमा।
रीमा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? रीमा, रीमा। फिर कुछ देर वो लोग रीमा की तलाश करते हैं, तभी अरे सोहनलाल जी, वो देखिए पेड़ पर रीमा बिटिया बैठी हुई है। अरे रीमा, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। तुम वहाँ पेड़ पर क्या कर रही हो? चलो जल्दी से नीचे आओ। मैं तो कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही थी। लगता है रीमा बिटिया चुड़ैल के डर से पेड़ पर चढ़ गई होगी। फिर वे लोग रीमा को लेकर वापस गांव के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रीमा के पैर अब उल्टे हो चुके होते हैं। अरे इनको क्या हो गया, ये आज भाग क्यों रहे हैं? चल भाग यहाँ से, चल भाग। कुत्तों को देखकर रीमा अपने पैर छुपा लेती है और फिर वे लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं। बाकी के लोग भी अपने घर की ओर चले जाते हैं, लेकिन वो कुत्ते वही रीमा के घर के बाहर बैठ कर रोने लगते हैं। वो रीमा के अंदर की चुड़ैल को पहचान लेते हैं। आओ बहू रानी, तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ। फिर रीमा की सास अपनी बहू के गृह प्रवेश के लिए एक थाली में लाल रंग डालकर रखती है। फिर रीमा उस थाली में खड़ी हो जाती है और गृह प्रवेश करती है और आगे बढ़ती है। जैसे जैसे रीमा आगे बढ़ती, उसके उल्टे पैरों की छाप जमीन पर छपने लगती है। तभी सोहन लाल की नजर उन लाल रंग की छाप पर पड़ती है। वो चौंक जाता है। अरे मर गए रे, ये कैसे हो सकता है? रीमा तो सीधा चल रही है, लेकिन इसके पैर उल्टे कैसे छप रहे हैं? हे भगवान, ये किस मुसीबत को घर ले आए हम? क्या करूं, क्या करूं? सोहन लाल रीमा की असलियत पहचान जाता है। अरे रीमा बिटिया, चलो अब पूजा घर में चलो और देवी माँ का आशीर्वाद भी ले लो। पूजा घर का नाम सुनकर रीमा चौंक जाती है। नहीं नहीं पिताजी, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सुबह उठते ही पूजा घर में जाकर आशीर्वाद ले लूंगी। रीमा जानबूझकर पूजा घर में नहीं जाती और सीधे अपने कमरे में जाते ही सो जाती है। अरे यार, ये तो सुहाग रात के पहले ही दिन सो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं भी सो जाता हूँ। फिर सोहन लाल अपनी पत्नी को रीमा के उल्टे पैर की छाप दिखाता है। उन्हें देखकर वह चौंक जाती है। अरे दैया, अरे दैया, ये तो रीमा के पैरों की छाप है, लेकिन ये उल्टे क्यों है जी? क्योंकि रीमा एक चुड़ैल है, इसलिए। जब से रीमा इस घर में आई है, गली के सारे कुत्ते हमारे घर के बाहर बैठकर रो रहे हैं। अब क्या करेंगे जी, कहीं वो मेरे बेटे को जिंदा ही ना खा जाए। मेरे पास एक तरकीब है, चलो मेरे साथ। फिर वे लोग चुपके से लल्लू लाल के कमरे में झांक कर देखते हैं। वो दोनों सो रहे होते हैं। फिर सोहन लाल दबे पांव अंदर जाता है और लल्लू लाल को धीरे से उठाता है और अपने साथ बाहर लेकर आता है। अरे क्या हुआ पिताजी, आप इस तरह मुझे बाहर क्यों ले आए? फिर सोहन लाल उसे रीमा के पैरों की छाप दिखाता है। उन्हें देखकर लल्लू लाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गए रे, ये तो उल्टे पैर की छाप है, इसका मतलब रीमा एक चुड़ैल है। अरे मर गया रे। मेरी पत्नी तो चुड़ैल निकली। अरे हाय, मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली। अरे रोना बंद कर कंबख्त, मेरे पास एक तरकीब है। इसने पूजा घर में जाने से मना किया था ना, चलो इसे सबक सिखाते हैं। फिर सोहन लाल और लल्लू लाल रीमा का पलंग उठाते हैं और चुपके से उसे मंदिर घर के अंदर रख देते हैं और दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं और खिड़की से उसे आवाज लगाते हैं। रीमा, रीमा, उठो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूँ। फिर रीमा जैसे ही उठती है, अपने सामने दुर्गा माँ की मूर्ति को देखकर चौंक जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। आ, आ, अरे ये मैं कहाँ आ गई, मैं इस मंदिर में कैसे आ गई? फिर वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। ए, खोल दरवाजा, जल्दी खोल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, खोल। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं और वो चुड़ैल तड़पने लगती है और मजबूर होकर उसे रीमा का शरीर छोड़ना पड़ता है।
रीमा से बाहर निकलते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और रीमा को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।